आज हम लोग क्या सीखेंगे, हॉस्टल वायरिंग। ठीक है, तो हॉस्टल वायरिंग का कितना लैंप लिए हम लोग, चार। ठीक है, चार लैंप लिए तो कितना टू वे स्विच लगना चाहिए, तीन या चार। चार लगेगा, ठीक है, और एक वन वे यानी मास्टर स्विच जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका वायरिंग करके हम लोग देखेंगे कैसे होता है कंट्रोल इसका। हॉस्टल वायरिंग करेंगे तो हम लोग वन वे लिए थे और एक वन वे स्विच और चार हम सिंगल टू करेंगे। ठीक है, चार तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वन वे थे इन में करेंगे। अब क्या करेंगे, यही से हम लोग जो तीन चीज लिए हम उसको कितना चाहिए ना, तीन चार। रूम का चेकअप करना। दूसरी बात की अगर बोला गया की 10 बजे तक पढ़ना है, 10 बजे पहले आप लाइट बंद कर कुछ कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, चाहे वीडियो गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वार्डन क्या करेगा, वो पिछले लाइट यहाँ स्विच को ऑन करेगा, वो देखेगा आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे देखिए आप कंडीशन में अभी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जिसको पढ़ना होता है बोल दिया गया 10 बजे तक पढ़ना, 10 बजे तक पढ़ना, तो सब लोग अपना लाइट क्या कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, पढ़ते रहते हैं। बाद मिस्टेक से क्या किया, मान लीजिए एक रूम, एक दो तीन, तीन रूम का है। ठीक है, रूम नंबर टू क्या किया, वो लाइट को बंद करके आराम से मोबाइल चला रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया है, लैंप बुझ गया। अब क्या करें, वार्डन देख लिया उस रूम का लाइट नहीं चल रहा है, बाहर घंटा तक दिखाई देता है जगह से, लैंप चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो क्या करेगा, उसको शंका भी कुछ कुछ कर रहा होगा, सो गया होगा या मोबाइल चला रहा होगा। ठीक है, तो क्या करता है कि यहाँ से वो स्विच को ऑन कर देगा, स्विच जैसे ही ऑन करेगा तो जो बंद था वो जल गया। ठीक है, और वो क्या करेगा, जो खेल रहा होगा चाहे कुछ भी, तो क्या करेगा, उसको बंद करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बंद नहीं होगा। क्यों नहीं बंद होगा, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, नीचे से शॉर्ट दिए थे हम लोग, डायरेक्ट सप्लाई दिए थे फिर जब, और ऊपर से हम लोग मास्टर स्विच की सहायता से दिए थे सप्लाई। ठीक है, जैसे ही वो ऑन कर दिया, इसमें चला गया इधर से, वो बंद नहीं कर पाया किसी भी कंडीशन में, बंद हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे ही सप्लाई को क्या करें, रूम चेक कर लिया, रूम चेकअप कर लिया, तो भाई जाहिर सी बात है कुछ कर रहा होगा, चाहे सोया होगा, चाहे गेम खेल रहा होगा, चाहे और कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है, तो क्या करेगा, वो वहाँ से और चेकअप करेगा। तो हॉस्टल वाले कितनी की जाती है, रूम चेकअप कर लिया, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है इस कंडीशन में। एक दूसरे से मैग्नेटिकली क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकली मतलब होता है कि हमने कोई वायर इसमें नहीं जोड़ा है, जो यहाँ का कोई वायर नहीं जोड़ा है। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से इसमें क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इसमें क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है या ईएमएफ आ रहा है, इसी को बोलते हो क्या हम, ट्रांसफार्मर में ना इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्या है, एक दूसरे को मैग्नेटिक कपल्ड है या कनेक्टेड है। मैग्नेट का क्या होता है, इफेक्ट जानते हो, एक की वजह से दूसरे में इफेक्ट आना नहीं होता, मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसी की वजह से आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, आगे ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, फैराडे के म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। फैराडे का सर पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, फैराडे का ला आप लोगों को पता होगा, कोई एक बताओ क्या होता है, अभी मार करके सही हो जाएगा। ठीक है, फैराडे का मुझे बताओ, और उसमें कोई डाउट है तो बताइएगा। अब बात आती है एमसीक्यू क्वेश्चन की,
तो किसी होल का डायमीटर इनलार्ज करने के लिए, इनलार्ज का मतलब बड़ा करने के लिए, जैसे इसका डायमीटर है इधर 10 mm का, अब mm बढ़ाना है तो हम कितना करेंगे, 10 mm है ना सर, ड्रिल का डाया कितना है 10, इसको 12 करना है तो बोरिंग का 12 mm, बोरिंग का डाया जो बोरिंग टूल है उसका डाया कितना लेंगे 12 mm।